खबर चमोली से। गांव-गांव चारधाम यात्रा मार्ग पर युद्ध स्तर पर लग रही चमोली जिले में वैक्सीन। चमोली जिले में 13 वैक्सीन सेंटरों में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के मार्ग निर्देशन में जनपद में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे। कोरोना महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत वैक्सीनेशन कार्यों पर जोर दिया जा रहा। जिले में 45 प्लस आयु वर्ग में 98.1% वैक्सीनेशन हो चुका, जबकि 18 प्लस में 26.8% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एहतियात के तौर पर यात्रा से जुड़े सभी होटल, ढाबे, वाहन चालक और अन्य व्यवसायियों का भी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा। बद्रीनाथ धाम में आज मंदिर समिति के कर्मचारियों, व्यवसायियों, स्थानीय जनता मिलाकर 300 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अगले दो दिनों में बद्रीनाथ धाम के आसपास गांव क्षेत्रों में सभी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोविड को लेकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे। होम आइसोलेशन में रखे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा। जिलाधिकारी ने बाजारों में भीड़भाड़ से बचने, शारीरिक दूरी रखने, मास्क पहनने और कोविड सतर्कता नियमों का पूरी तरह से पालन करने को कहा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जिले से 803 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर भी कोरोना जांच करने में जुटी हैं। अभी तक स्वास्थ्य टीमों द्वारा 564 गांव में जाकर 26,533 लोगों के सैंपल जांच किए। गौचर बैरियर पर अब तक 4,112, गैरसैंण बैरियर पर 2,295, ग्वालदाम बैरियर पर 145 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। कोविड अस्पताल में अब 5 भर्ती मरीज हैं। 111 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा। जिले में कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन हो रहा। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर अब तक 13,278 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई। ब्लॉक और सिटी रिस्पांस टीमों के माध्यम से भी जिले के सभी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पर नियमित निगरानी रखी जा रही। शुरुआत से ही हम लोगों ने काफी गांव-गांव जाकर हेल्थ टीम ने वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया था। उस समय शुरू से ही प्रगति अच्छी थी और अब ऑलमोस्ट 98% लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया, 45 प्लस की जनता को फर्स्ट डोज से। और इसके साथ में ही जो हमारा चारधाम यात्रा, क्योंकि अभी कुछ दिनों में शुरू हो सकता है, तो उसमें उसके लिए भी लगभग 1650 पांडुकेश्वर, माना, बामनी वाले जो इलाके हैं, जो वहाँ के ग्रामवासी हैं या मंदिर समिति के लोग हैं, इन सभी लोगों को मिलाकर इनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उसके साथ ही जो पूरा हमारा चारधाम रूट है, उसमें होटल व्यवसायी, ये जो टैक्सी ड्राइवर्स आदि को मिलाकर हमने लगभग 1092 लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन कर दिया है। तो अभी भी जैसे दुर्गम परिस्थितियों में, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, हमारी हेल्थ टीम की ANM आशा के द्वारा वहाँ गांव-गांव में जाकर अभी भी वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। और इसके अतिरिक्त आपदा को लेकर भी यहाँ की तैयारियाँ हो चुकी हैं और जो रोड्स बंद थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा रोड्स खुल भी चुकी हैं, तो इसलिए भी अब वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।